अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समिट में शामिल होने के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन चीनी विमान से सिंगापुर पहुंचे और बीजिंग के लिए एक बेहतर गिफ्ट का इंतजाम कर दिया। दरअसल समिट के दौरान ट्रंप ने अगस्त में होने वाले अमेरिका दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास रद्द करने की घोषणा की है। ट्रंप ने जल्द ही कोरियाई प्रायद्वीप से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की संभावना के संकेत दिए हैं। चाइना पावर प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के निदेशक बोनी ग्लेजर ने इसे चीन के लिए बड़ी जीत बताया है। आपको बता दें कि सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक वार्ता के बाद कहा कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास करना बंद कर देगा, लेकिन उसके परमाणु परीक्षणों को लेकर उस पर प्रतिबंध फिलहाल लगा रहेगा। ट्रंप ने कहा, हम सैन्य अभ्यास बंद कर देंगे जिससे काफी धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि वो सैन्य अभ्यास बंद करने के लिए सहमत हुए हैं क्योंकि वो इसे बहुत ही उकसाने वाला मानते हैं। पिछले कई सालों से चीन का ये लक्ष्य रहा है कि क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती खत्म हो जाए और चीनी सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया में फैले अमेरिकी जाल को खत्म कर दिया है। मौजूदा समय में जापान में 49,000 और दक्षिण कोरिया में 28,000 अमेरिकी सैनिक हैं। टीम न्यूज़ नाउ।